A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 9, chapter number 5, and the name of the chapter 5 is Euclid Geometry. So this is the third lecture on the Euclid Geometry. I hope you already watched my previous two lectures. If you not, please go to my playlist and please to watch that lecture, because in this lecture I am going to start the question number 2 from the exercise 5.1 and onwards. So we already covered it, all the basic concepts regarding what is Euclid and the difference between the Euclid axioms, postulates, theorems and all the related theory about the geometry and how the Euclid defines a type of postulates, axioms. We already covered all sorts of aspects. So aap meri lecture abhi nahi dekha, wo mera previous lecture, so please go to my playlist and do watch the lecture first, because in this lecture I am going to start the question number 2 and onwards. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So don't waste our time, let's come on our second question. And question number second is what? Please look at the board. So class 9, chapter 5 and lecture number 3. Question number 3 करिए, give a definition. आपको इस questions में क्या कहता है कि आपको एक definitions देनी है. तो आपको define करना आता है किस चीज को भी, तो आपको define करना है. Definitions means you have to do define. फिर इस क्वेश्चन में ओनली डिफाइन डिफाइन नहीं करना, इसके रिलेटेड भी इसने कुछ और भी पूछा है. वो क्या चीज पूछी है उसको ध्यान दीजिए. आर देयर अदर टर्म्स, ये कहता है कि क्या इस, जब आप इस डेफिनेशन को डिफाइन करते हो तो इस डेफिनेशन में क्या और भी ऐसी टर्म आती है जिसको डिफाइन करना पड़ता है. थर्ड कहता है दैट नीड टू बी डिफाइन, क्या मतलब कुछ ऐसी टर्म इस डेफिनेशन में भी आती है कि जब आप एक डेफिनेशन देते हो तो उस डेफिनेशन में क्या कुछ और टर्म है जिनको डिफाइन करना पहले जरूरी है. फिर कहता है व्हाट आर दे, तो वो कौन कौन सी टर्म्स है एंड हाउ यू डिफाइन, तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है काफी इजी है, लेकिन कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है उसको समझिए. सबसे पहला पार्ट है हमारा पैरेलल लाइंस. अब आपको पैरेलल लाइन को डिफाइन करना है, तो पैरेलल लाइन का एग्जांपल आपको पता है जो रेल लाइंस होती है. रेल लाइंस क्या होती है, बेस्ट एग्जांपल होती है किसका, पैरेलल लाइन. कि आप रेल लाइंस को फॉलो करना स्टार्ट करो, आप कितनी भी डिस्टेंस पे चले जाओ, चाहे आप फॉरवर्ड जाओ चाहे बैक जाओ, कहीं भी जाओ आगे या पीछे, कभी भी वो दो जो लाइंस होती है रेल लाइंस, कभी भी वो मीट नहीं करती. अब जब मीट करेगी तो कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जिसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट. तो जब वो लाइन कभी मीट ही नहीं करती है, इसका मतलब क्या, उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होता. तो उसी को डिफाइन, उसी को बेस बना के हम इस पैरेलल लाइन को डिफाइन कर सकते हैं. रीड द स्टेटमेंट, जो हमने डिफाइन किया है क्या है, टू स्ट्रेट लाइंस विच हैज नो पॉइंट इन कॉमन. ये दो स्ट्रेट लाइंस जिनका कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं, जैसे मैंने आपको रेल लाइन बताई, चाहे आप कितने भी डिस्टेंस पे चले जाओ वो रेल लाइन कभी मीट तो नहीं करती, इसका मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता. तो विच नो कॉमन पॉइंट, फिर मैंने आगे लिखा हुआ है प्रोड्यूसिंग इनडेफिनेटली. प्रोड्यूसिंग इनडेफिनेटली का मतलब क्या है, आप थोड़े डिस्टेंस कवर नहीं करोगे, आप चाहे कितना भी डिस्टेंस कवर कर लो, चाहे आप 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, लाख किलोमीटर, 1000 करोड़ मीटर, कितना भी डिस्टेंस कवर करो वो लाइन कभी भी मीट नहीं करेगी. तो उसको प्रोड्यूस करो इनडेफिनेटली, तब भी लाइन मीट नहीं करेगी. तो ऐसी दो स्ट्रेट लाइन विच हैज नो कॉमन पॉइंट्स व्हेन ऑन प्रोड्यूसिंग इनडेफिनेटली, तो सच लाइन्स आर कॉल्ड आर पैरेलल लाइन्स. तो उनको क्या कहेंगे हम, पैरेलल टू ईच अदर. तो वो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. अब क्वेश्चन आता है कि हमने लाइन को डिफाइन किया, अब आपको देखना है कि क्या इसमें कुछ और अनडिफाइंड टर्म है या नहीं है. अब मैं मार्क करता हूं कि यहाँ पे कुछ और अनडिफाइंड है, कि इस डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले मुझे कुछ और को डिफाइन करना पड़ेगा. सबसे पहला वर्ड क्या आया,
टू स्ट्रेट लाइंस। तो मुझे सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि लाइन क्या होती है, क्योंकि स्ट्रेट पैरेलल लाइंस की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे लाइंस नहीं पता लाइन क्या होती है, तो पैरेलल लाइंस को कैसे डिफाइन करूंगा। दूसरा वर्ड आता है स्ट्रेट तो लाइंस भी है, फिर अगला स्टेप क्या है स्ट्रेट लाइंस, तो मुझे स्ट्रेट लाइंस को भी डिफाइन करना पड़ेगा पहले। आगे पढ़ते हैं विच हैज नो पॉइंट, तो मुझे क्या पहले पॉइंट को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि पॉइंट क्या होता है। और प्रोड्यूसिंग इंडेफिनिट, इसका मतलब क्या है, जब मैं पैरेलल लाइन को डिफाइन करता हूं तो तीन अनडिफाइंड डेफिनेशन आ जाती है, कि एक डेफिनेशन तो पॉइंट की पॉइंट क्या होता है, दूसरी डेफिनेशन लाइन लाइन क्या होती है, थर्ड डेफिनेशन इज स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन क्या होती है। यही तीनों वर्ड्स को मैं पहले डिफाइन करूंगा, उसके बाद यदि मैं पैरेलल लाइंस को डिफाइन करूंगा तो ये स्टेटमेंट ठीक होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि क्या ये ऐसे है, देखो ध्यान से रीड करो, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या इस डेफिनेशन में कुछ ऐसी दूसरी टर्म है कि उनको पहले डिफाइन करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू इसको डिफाइन करने से पहले। तो आपका आंसर समझाया, तो ये डेफिनेशन तब वैलिड होगी जब आप इन तीन वर्ड्स को पहले डिफाइन करोगे। तो इसलिए मैंने आप किसको मार्क करा, पहला पॉइंट को मार्क करा, तो पॉइंट लिखा, पॉइंट तो यूक्लिड ने भी डिफाइन किया था अपनी थ्योरी में, यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या था पॉइंट, अ पॉइंट विच हैज नो पार्ट, मतलब जिसके आप पार्ट नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, तो वो छोटे से छोटा पार्ट को क्या कहते हैं आप पॉइंट, तो पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता उसको क्या कहते हैं पॉइंट। डिफाइंड हो गया। अब उसके बाद लाइन को डिफाइन करना, जब लाइन की डेफिनेशन लिखी, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, आपको पता है कोई भी एक लेंथ है वो ब्रेथलेस होता है, उसकी ब्रेथ क्या हो जीरो, तो उसको क्या कहेंगे हम लाइन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, ए लाइन विच लाइज इवनली विद ऑल द पॉइंट्स लाइन ऑन इट, तो यदि सारे पॉइंट्स उसी लाइन पे लाई करें तो वो लाइन क्या आएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम यहाँ पे जिस भी टर्म को डिफाइन करेंगे तो पहले ये पता लगाएंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डेफिनेशंस को रीड करके हम ये बताएंगे कि कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनको पहले डिफाइन करना होगा और फिर उनको डिफाइन करेंगे। ऐसे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा है ऐसे ही मैं सेकेंड करूंगा और थर्ड करूंगा। आई होप आपने समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। Now look at the board. अब second definition क्या है? Perpendicular line. अब आपको perpendicular line को define करना है। और perpendicular line को define कैसे कर सकते हो? जैसे भी आपने define किया parallel lines. यदि parallel lines को, जैसे for example ये दो parallel lines हैं, ठीक है? इसमें से किसी एक line को यदि मैं 90 degree के angle से bend कर देता हूँ, तो ये आपस में क्या हो गई? Perpendicular हो गई। तो यही डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज मेक अ नोट, इफ वन अमंग टू पैरेलल लाइन, यदि दो पैरेलल लाइन में से किसी एक लाइन को टर्न बाय 90 डिग्री यदि रोटेट कर दिया जाए बाय 90 डिग्री, देन द टू लाइंस बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे पे क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आता है कि ये डेफिनेशन करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जो वर्ड्स आए हैं इसमें वर्ड्स क्या आ गया पैरेलल लाइंस, इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करना है तो पहले आपको पैरेलल लाइंस को डिफाइन करना होगा। अब पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस में तो ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट भी डिफाइन करना होता है, लाइन भी डिफाइन करनी होती है, स्ट्रेट लाइन भी डिफाइन करनी होती है, इसका मतलब उसको भी पहले डिफाइन करना होगा। इतना समझ आया आपको? तो इसका मतलब क्या है, मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ, यदि मुझे प्रैक्टिस डेफिनेशन को वैलिड मानना है तो इसके लिए मुझे पहले डिफाइन किसको करना होगा पैरेलल लाइन को, जो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप से कि डिफाइन करो परपेंडिकुलर लाइन, तो पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है फिर परपेंडिकुलर लाइन डिफाइन करना है, और उसके तो आपको बहुत सॉरी पैरेलल लाइन जिसमें आपको पता ही है पॉइंट भी डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन भी और स्ट्रेट लाइन, तो तब जाके ये क्या होगा क्वेश्चन कंप्लीट होगा।
लेकिन इसमें कुछ चीज होती है कि जिनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, कुछ हम मान के चलते हैं एज्यूम प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे आपका रोटेशन आ जाता है, फिगर आ जाता है, साइड आ जाती है, एंगल्स आ जाता है, तो मे बी एज्यूम नॉन, इसको आप क्या मान के चलोगे, ये आपको पता है, इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। समझाया कि कुछ एक टर्म्स है जिसको डिफाइन करना है, लेकिन जैसे एंगल आ जाता है, रोटेशन आ जाता है, फिगर या साइड, देयर इज नो नीड टू डिफाइन दैट, इस चीज को याद रखिएगा। ऐसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को रीड करिए, क्या कहता है, आपको डिफाइन करना है लाइन सेगमेंट को। अब लाइन सेगमेंट आपको पता है क्या होता है, ए पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, दैट इज इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट, उसको क्या कहते हो आप, लाइन सेगमेंट। जैसे ये मार्कर है, ये एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट भी पता है और मुझे फाइनल पॉइंट भी पता है। तो एक लाइन जिसके एंड पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। लेकिन ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट, तो उसको क्या कहा हमने, लाइन सेगमेंट। तो इसको डिफाइन करने से पहले आपका वही डेफिनेशन आ गई, पॉइंट, तो पॉइंट को डिफाइन करना होगा। फिर क्या आ रहा है, लाइन, तो लाइन को भी डिफाइन करना होगा। इसका मतलब जब आपके क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट आता है डिफाइन करिए, तो आपको लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने से पहले पॉइंट को डिफाइन करना होगा, पॉइंट को डिफाइन करने से पहले लाइन को डिफाइन करना होगा, तब जाके आपकी ये स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी, समझाया। इसका मतलब एक डेफिनेशन को डिफाइन करते लिए आपको दो या तीन डेफिनेशन और भी डिफाइन पहले करने पड़ते, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। Now look at the board. अब हम पार्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है क्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल। आपको रेडियस ऑफ ए सर्कल को डिफाइन करना है। आपको पता है रेडियस पे एक लाइन सेगमेंट होती है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें दो पॉइंट्स होंगे, लाइन सेगमेंट है तो वन पॉइंट तो क्या कहते हैं उसको, सेंटर कहते हैं, और सेकेंड पॉइंट कहाँ पर होता है, सर्कल पर होता है। इसका मतलब यदि आपको रेडियस ऑफ द सर्कल को डिफाइन करना है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या, एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट तो कहां पर होता है, सेंटर पर, जैसे मैं डिफाइन करना चाहूं, देखिए ध्यान से, ये क्या है, एक सर्कल है जिसका एक पॉइंट कहां पर होना चाहिए, सेंटर पे, और सेकंड पॉइंट कहां पे होना चाहिए, थ्रू आउट द सर्कल। इसका मतलब यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ वो भी रेडियस, जैसे ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट, ये सेंटर लेट कर लिया, ओ इतना समझाया। तो ये सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट विच वन पॉइंट एंड पॉइंट एज अ सेंटर एंड द सेकंड पॉइंट इज लाइन ऑन द सर्कल। लुक एट द बोर्ड एंड रीड द स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट विच वन एंड पॉइंट एट द सेंटर and other at any point on the circle, उसको क्या कहेंगे हम, radius of the circle। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, हमें center में कहा है कि एक point center होना चाहिए, तो अब center को define करना पहले पड़ेगा, तभी ये statement valid होगी। इसका मतलब center of the circle को अब पहले define आपको करना पड़ेगा। तो center of the circle क्या होता है, center of the circle एक ऐसा point होता है जो सर्कल के अंदर होता है, इतना कंफर्म है, सर्कल के बाहर तो कभी सेंटर हो नहीं सकता। तो सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो इनसाइड द सर्कल होता है, और वो इक्वी डिस्टेंस पर होता है विद ऑल द पॉइंट्स, चाहे कहीं कितने पॉइंट्स ले लो, दैट ऑल लाइन इन द सर्कल। मतलब इस सर्कल पे कितने भी पॉइंट्स ले लो, उन पॉइंट्स से सेंटर का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, तो वो सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो लुक एट द बोर्ड और रीड द स्टेटमेंट, इट मे बी डिफाइंड कर सकते हैं एज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो इनसाइड द सर्कल एक पॉइंट हो गया, विच इज एट द सेम डिस्टेंस, जो एक सेम डिस्टेंस पर रहेगा फ्रॉम ऑल द पॉइंट, सभी पॉइंट से ऑन द सर्कल। तो इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट सिक्स पार्ट है, आपको स्क्वायर को डिफाइन करना है। अब आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर, जिसकी चार साइड होती है, और चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्क्वायर। इतना समझाया। तो स्क्वायर बेसिकली क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है दैट हैज फोर साइड एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, इट मींस 90 डिग्री। तो
हम इसको डिफाइन करते हैं तो नेचुरली एक वर्ड और आ गया, क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करना पड़ेगा आपको। अब क्वाड्रिलेटरल पता है कि ए फिगर विच हैज फोर साइड, कोई भी ऐसा फिगर जिसकी फोर साइड्स होती है उसको क्या कहते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पे आ जाता है फिगर, साइड, एंगल। अब मैंने पहले भी लिखा था कि फिगर या साइड या एंगल इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, इनको हम क्या मान के चलते हैं, ये आर एज्यूम नोन है, आपको पता है, तो इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। सिर्फ किसको डिफाइन कर दीजिए, क्वाड्रिलेटरल को। लुक एट द बोर्ड, तो मैंने स्क्वायर को डिफाइन करा, इसके क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल इज अ स्क्वायर। और फिर मैंने क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर दिया कि इज अ फिगर विद फोर साइड, और यहां लाइन लिख दो कि साइड्स, फिगर्स और एंगल्स आर अज्यूम्ड टू बी नोन, आपको पता है, देयर इज नो नीड टू डिफाइन देम। तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई किसकी, स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप से है, तो बोरिंग नहीं बनेंगे आप, तो इसको एंटरटेनिंग वे से इसको समझेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा। सो प्लीज मेक अ नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 की तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो आंसर कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा ये पता नहीं लग रहा, लेकिन आप इस क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो डेफिनेटली आप इसको छोड़ दोगे, क्योंकि जिस स्टेटमेंट का इतना बड़ा पार्ट हो तो इतना टाइम लगेगा और आपका माइंड ही फोकस नहीं करता क्या इस चीज को सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए तब जाके ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन दे दिए, इसका मतलब ये जस्ट लाइक ए पैराग्राफ हो गया, जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन करते हो उसमें से कई पैराग्राफ को पढ़िए और 4-5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। इजी, इसको इजी तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे। अब देखिए लुक एट द बोर्ड फर्स्ट, कहता है कंसीडर द टू पोस्टुलेट्स, आपको पता है पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, अज्यूम ट्रूथ होते हैं, जो स्पेसिफिक टू क्या होते हैं, ज्योमेट्री, उन्हीं को पोस्टुलेट कहते हैं। तो यहाँ पे कोई ये मेंशन नहीं है कि जो ये पोस्टुलेट है ये वैलिड है या नहीं है, क्योंकि जब ये पोस्टुलेट्स बनने स्टार्ट हुए, यूक्लिड ने कुछ पोस्टुलेट दिए, ऐसे बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने पोस्टुलेट देना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी रिलेटेड टू द ज्योमेट्री, तो उसके बाद देने के बाद उसकी वैलिडिटी चेक हुई कि ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। तो यदि वो स्टेटमेंट वैलिड है, हर सिचुएशन पर अप्लाई होती है, तो उसको पोस्टुलेट नाम दे दिया गया, अदरवाइज उसको क्या कर दिया गया, कैंसिल। इसी टाइप से कुछ एक मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने ये 2 स्टेटमेंट दी, तो उनके अकॉर्डिंग ये पोस्टुलेट है। अब आपको बताना है कि ये क्या पोस्टुलेट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देना। कहता है कि गिवन एनी 2 पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट्स है, क्या है, गिवन है एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जैसे मैं 2 पॉइंट्स मान लेता हूं, एक पॉइंट ये लेट कर लेता हूं, एक पॉइंट ये, ए बी, कहता है ना क्वेश्चन में कि गिवन है एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों अलग अलग पॉइंट्स है, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट, तो वहां पे एक पॉइंट और एग्जिस्ट करता है सी, विच इज बिटवीन ए एंड बी। यदि मैं इस ए और बी को ज्वाइन कर देता हूं तो उसके बीच में क्या हो सकता है, एक पॉइंट लाई करे सी, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, इसका मतलब स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या बनती है, एक लाइन बनती है और उस लाइन पर एक सी पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम। कहता है देयर एग्जिस्ट मिनिमम 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि जो सेम लाइन पर ना हो, ऐसे हम इसको देखते हैं, जैसे ये था, ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है,
इसने कहा है कि कम से कम तीन पॉइंट ऐसे हो जो एक लाइन पे ना हो, सकता है तीन पॉइंट यहां पे लाई करता हो, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या है एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और दोनों की दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रही है, दूसरे को अपोजिट भी नहीं कर रही है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म। पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहा है हमें, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इस पोस्टुलेट में क्या कोई अनडिफाइंड टर्म है, तो आपका आंसर क्या आएगा, यस बिल्कुल है। क्या आंसर आएगा, यस बिल्कुल। कौन कौन से अनडिफाइंड टर्म है, देयर इज सो मेनी टर्म्स, देयर इज सो मेनी टर्म्स अनडिफाइंड। ठीक है, मैं तो इसमें लिख देता हूं, लेकिन आपको ये दोनों फिगर अलग अलग स्टेटमेंट वाइज बनाने हैं, इसका फिगर अलग इसका फिगर अलग। तो मैंने क्या लिखा, यस इस पहले क्वेश्चन का, Do this postulate contain any undefined term? मैंने कहा yes, बहुत सारे undefined terms हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? Two points की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो points हैं, वो undefined हैं। पहला समझ आ गया? Point क्या है? Defined नहीं किया गया। फिर उसके बाद पूछते हैं कि in between That or not on the same line, जैसे हम बात किसकी बात कर रहे हैं, लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन भी डिफाइंड नहीं है। यदि मैं बात करता हूं थर्ड स्ट्रेट लाइन की, वो भी डिफाइंड नहीं है। इतना समझाया? तो सबसे पहले इसको एक बार नोट करिए, क्वेश्चन नंबर ये है, इन दोनों के फिगर बनाइए और दोनों को लिखिए करेक्ट या वैलिड, और पहले क्वेश्चन का आंसर लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, पहले जो स्टेटमेंट लिखनी है दोनों, फिर आपको क्वेश्चन नंबर वन लिखना है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, तो आपका आंसर क्या आएगा, यस देयर इज सो मेनी अनडिफाइंड टर्म्स है। लाइक पहले टर्म्स क्या है, पॉइंट, पॉइंट को डिफाइन नहीं किया गया, लाइन, लाइन को डिफाइन नहीं किया गया, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को डिफाइन नहीं किया गया। इसका मतलब बहुत सारे इसमें क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स है। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट दिस पार्ट, आई होप आपने नोट कर लिया होगा फर्स्ट पार्ट। तो मैंने इसको फर्स्ट पार्ट को रब कर दिया, जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब सेकंड पार्ट को रीड करते हैं, कहता है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है लॉजिकली ट्रू। इसमें क्या पूछा है, कंसिस्टेंट है नहीं, इसका मतलब क्या पूछा है, आर लॉजिकली ट्रू और नॉट। ये क्वेश्चन पूछा, अब आपको देख रहा है कि ये सी पॉइंट इसके मतलब क्या है, करेक्ट है, इसका मतलब ये लॉजिकली करेक्ट है, तो यहां लिख सकते हो लॉजिकली करेक्ट, और ये भी क्या है, दोनों लॉजिकली करेक्ट है, इसका मतलब आप लिख सकते हो पोस्टुलेट वन एंड पोस्टुलेट टू आर लॉजिकली ट्रू। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, आप प्लीज मेक अ नोट, क्या लिख रहा हूं देखिए ध्यान से, पोस्टुलेट वन एंड टू आर लॉजिकली ट्रू, लॉजिकली क्या है, ट्रू है फॉर एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में। सो दीज आर, तो यदि है तो ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। सो दीज आर कंसिस्टेंट, तो जो सेकंड पार्ट का आपका क्वेश्चन लिखोगे कि आर दिस क्वेश्चन कंसिस्ट, तो उन दोनों में ही डायग्राम बना लेना, उन दोनों में ही क्या लिखना है, आपको लॉजिकली करेक्ट लिखना है, फिर आपको रिप्लाई लिखनी है पोस्टुलेट वन एंड टू आर लॉजिकली ट्रू है फॉर एवरी सिचुएशन में। सो दीज आर क्या है आपके,
कंसिस्टेंट। समझ आया? सो अगेन मेक अ नोट, ये था आपका सेकंड पार्ट का आंसर, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्या कहता है ये, डू दे फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये दोनों पोस्टुलेट यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं या नहीं करते। आपको पता है पहला पोस्टुलेट क्या था, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, कि सर्कल, सॉरी क्या नाम था, यस इस सर्कल के बारे में डिफाइन किया था कि एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है विद एनी पॉइंट विद एनी रेडियस। फिर एक पार्ट को डिफाइन किया विच हैज नो पार्ट, फिर ऑल राइट एंगल्स आर राइट एंगल, और फिर दो लाइंस को कट करती है एक लाइन, तो वो यदि उनका इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री होगा तो वो मीट करेगी। इसका मतलब इन पांचों पोस्टुलेट में से ये पोस्टुलेट किसी से मैच नहीं करता। तो आपका क्या कहता है, डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, तो आपका आंसर क्या आएगा, नो, क्योंकि ऐसा कोई पोस्टुलेट ही नहीं है यूक्लिड का। तो आंसर इज व्हाट, नो, दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो। क्या नहीं फॉलो करते, यूक्लिड पोस्टुलेट, तो ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। बट दे फॉलो करते हैं, बट दे फॉलो, क्या एक्सियोम से, यूक्लिड एक्सियोम, और एक्सियोम भी कौन सा, 5.1, मैंने हाल ही में दिया एक्सियोम 5.1। क्या एक्सियोम्स है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन, मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और एक यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, तो उसके से एक लाइन क्या होती है, पास होती है। इसका मतलब यस, कि ये यूक्लिड पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं करते, लेकिन ये यूक्लिड एक्सियोम, एक्सियोम नंबर 5.1, और फिर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, यस, इसको ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इतना समझ आया, तो ये था आपका क्वेश्चन, देखा कितना इजी क्वेश्चन बन गया। यदि आपने ध्यान से पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, अदरवाइज ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कभी समझ नहीं आया और ना ही आएगा। यदि आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। So please make a note. Now look at the board question number 4. इस type का question exam में 2 marks के आते हैं। Easy question है बिल्कुल ही। आपको exam से postulate apply करके इसको solve करना होता है। का question काफी easy है। कैसे ये देखिए। If a point C lies between two points, एक point है C जो lie करता है between two points A and B। तो मैं इसका diagram बनाना चाहूँ। तो ये ऐसा बनेगा। ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, सी लाइज बिटवीन, तो ये पॉइंट हो गया सी, जो कहां लाई करता है, बिटवीन में लाई करता है। सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, जो चीज गिवन है पहले उसकी हेडिंग बना के लिखिया करिए, गिवन, आपको क्या चीज गिवन है इसमें, हमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज हमें गिवन है, पहली हेडिंग हमेशा गिवन के लिखा है। फिर टू प्रूफ, सेकंड हेडिंग बनाइए हमेशा टू प्रूफ की, कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको कहता है कि इस ये प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। Explain by drawing the figure. तो इसको explain करना है by using drawing the figure. तो मैंने figure का draw कर लिया। अब third heading किसकी होती है? Proof. अब मैं इसको proof कैसे करूँगा? इसको देखिए ध्यान से। जो चीज given होती है हमेशा उसको use करके ही चीज proof की जाती है। तो हमें given क्या है? तो उसको लिखिए। AC is equal to BC. ये given है। इसको यहाँ पे करके लिखिए bracket में करके। गीवन, ये चीज आपको गीवन है। अब ध्यान से देखिए ए सी, ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी, ये चीज गीवन है। हमें क्या प्रूफ करना है, इसको ध्यान से देखते हैं, यहां पे टू आया हुआ है,
यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोचते हैं तो 2 इंटू ए सी यहाँ पे आना चाहिए, 2ac, तो 2ac की टर्म यहाँ पर नहीं चाहिए आपकी। तो जो प्रूफ करना होता है ना उसी से आइडिया होता है कि हमें करना क्या है। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac, तो हमें 2ac टर्म चाहिए। यहाँ पे 1ac तो है, 1ac और मिल जाए तो 2ac हो जाएगा। यस, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एडिंग कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एडिंग ac, ac को मैं ऐड कर रहा हूं ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ac प्लस ac, ये क्या बन जाएगा, ac प्लस bc। अब देखिए कि क्या ये इक्वल है, यस yes। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, रीजन, आपको रीजन पे लिखना है ना। मैंने क्या ऐड करा है, AC, पहले से आपको पता है AC और BC इक्वल है और मैंने दोनों जगह इक्वल चीज ऐड कर दी। तो आपको एक्सियोम्स याद है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर आल्सो इक्वल। तो ये लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे लिखिए बाय एक्सियोम, क्या एक्सियोम्स है, इफ इक्वल आर एडिड, यदि आप इक्वल एडिड करते हो टू टू इक्वल, जो दो इक्वल उसमें ऐड करते हो, दो द होल आर इक्वल, यानी दो चीज जो पहले से इक्वल थी, ये दोनों चीज पहले से इक्वल थी, हमने इक्वल चीज ऐड कर दी, तो इनसे जो नई टर्म बनी वो भी क्या होगी, आपस में इक्वल। इतना समझ आ गया आपको। अब मैं इसको लिख सकता हूं AC प्लस AC कितना हो गया, 2AC, इसको हम लिख सकते हैं 2AC, और ये क्या है आपका AC प्लस BC। यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अब इसके बाद यहां पे एक चीज और भी लग रही है, यदि हम देखते हैं इसको AC AC फिर BC BC, अब AC प्लस BC को मैं ऐड कर दूं तो ये पूरा AB बन जाएगा। क्यों, क्योंकि AC प्लस BC कोइंसाइड करती है किससे, AB से, ये भी यूक्लिड एक्सियोम है, ये भी हमने पढ़ चुके अच्छी तरह। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि अब अगला रीजन क्या आएगा, AC प्लस BC क्या कर रही है, ये कोइंसाइड कर रही है विद किसके साथ, AB के साथ। मैंने एग्जांपल से समझाया था आपको ये कोइंसाइड वाला कांसेप्ट, यदि नहीं देखा तो अभी भी जाइए प्रीवियस वीडियो में और उसको देखिए ध्यान से, आपको बेसिक कांसेप्ट समझ आ जाएगा, क्योंकि आप बार बार आपको यही चीज अप्लाई करनी। तो AC प्लस BC, AC प्लस BC को यदि देखी जाएगा तो पूरी की पूरी आइडेंटिकल है किससे, हो AB से, तो आइडेंटिकल को क्या कह देते हैं, कोइंसाइड। तो AC प्लस BC कोइंसाइड्स विद AB, इसका मतलब ये न्यूमेरिकली क्या होगी, इक्वल होंगे, दैट इज, इसका मतलब क्या है, AC प्लस BC किसके इक्वल हो गया, AB के इक्वल हो गया। इतना समझाया, तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, फिर मैं आगे कंप्लीट करता हूं। नाउ अब आपको दिखाई दे रहा है 2AC इज इक्वल टू AC प्लस BC किसके इक्वल हो गया, AB के। इस 2 को डिवाइड में ले चलिए तो AC इज इक्वल टू क्या बन गया, AB बाय 2। तो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो ना, AC इज इक्वल टू 1/2 AB, क्यों, क्योंकि 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे AB आएगा, डिवाइड बाय 2 तो AB बाय 2 आएगा। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये चीज क्या होगी, तो ये हो जाता दो स्टेप में, लेकिन आपको प्रॉपर यूक्लिड कौन सा एक्सियोम से कौन चीज इक्वल हुई, कौन से पोस्टुलेट लगा, वो सब चीज शो करनी है, तब जाके आपका क्वेश्चन को क्या माना जाएगा, करेक्ट, अदरवाइज मार्किंग विल बी डिडक्टेड। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड इन क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 4, इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कनेक्ट किससे है, क्वेश्चन नंबर 3 से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 से। आपको क्वेश्चन नंबर 4 पता है तो मुझे इसका दोबारा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 किससे कनेक्ट है, 5 क्वेश्चन नंबर 5 कनेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 से। उस क्वेश्चन में क्या था कि ए भी दो पॉइंट से और सी जो था वो क्या था,
मिड पॉइंट। ये चीज थी, तो पहले मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एबी। इसका मतलब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमें गिवन था, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ था, सी क्या है हमारा मिड पॉइंट है, सच दैट, कैसे है मिड पॉइंट, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए। ये सब चीज क्या थी, हमें गिवन थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 से ही करेंगे, सी का कॉन्सेप्ट यूज करके यूज करेंगे, क्योंकि इसने कहा है इन क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है कि सी मिड पॉइंट है, हमने मान लिया सी मिड पॉइंट। फिर कहता है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, हर एक लाइन सेगमेंट का ओनली एक ही मिड पॉइंट होता है, ये प्रूव करना है। अब आपको ये तो सिंपल से कहा था, आपको पता होता है हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट, लेकिन प्रूव करना हो तो काफी दिक्कत आती है, तो उस दिक्कत को डिफिकल्टी को कैसे रिमूव करेंगे, इसके लिए हम मोस्ट प्रेफर्ड मेथड होता है जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है हम अपने आप को गलत लेट करके चलेंगे और हम अपने आप को खुद ही गलत प्रूव कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, ट्रू। समझ आया, तो मैं यहां यूज क्या करने जा रहा हूं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो मैं एक गलत साबित करता हूं, कहते हैं कि एक मिड पॉइंट होता है, मैं एक और मिड पॉइंट लेता हूं, कहता हूं डी इज आल्सो ए मिड पॉइंट, इसका मतलब होता तो है ही, तो मैं गलत मान रहा हूं अपने आपको, यस। तो यही ट्रू, एक लॉजिक मान के हम इसको प्रूव करेंगे, यस। तो लेट हमने मान लिया डी इज आल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैंने क्या कहा कि D इसको मान लिया मैंने, ये पॉइंट क्या है मेरा D, ये क्या है लेट है, ये मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट क्या था गिवन। फिगर को अच्छी तरह बड़ा बनाइए, समझ अच्छी तरह आएगा। तो ये C पॉइंट मिड पॉइंट गिवन था, और ये D मैंने मान लिया ये मिड पॉइंट है। यदि ये डी मिड पॉइंट है, तो जैसे सी मिड पॉइंट था, तो ए सी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के। ऐसे डी मिड पॉइंट है, तो ए डी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी के। इट इंप्लाइज, इसका मतलब इट इंप्लाइज होता है, इसका मतलब कि ए डी किसके इक्वल हो गया 1/2 ए बी के। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेता हूं। अब यहाँ पे एक एक्सियोम लग गया, कौन सा एक्सियोम, थिंग्स फर्स्ट वाला, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि ए सी भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, ए डी भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, इसका मतलब ए सी और ए डी क्या होंगे, ए डी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ रीजन भी लिख देता हूं, क्योंकि रीजन लिखना इज मस्ट, क्या रीजन होगा, बाई एक्सियोम फर्स्ट क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो वो एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, इसका मतलब इस स्टेटमेंट से क्या आ गया कि AD और AB आर इक्वल, तो दिखाई दे रहा है आपको, मैं यहां लिख दूं, नहीं तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, मैं रब करता हूं इस पार्ट को। नाउ लुक एट द बोर्ड,
सो ए सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए डी की। अब ए सी और ए डी मतलब एक लाइन ए सी है और एक लाइन ए डी है, वो इक्वल कब हो सकती है, जब सी और डी क्या करें कोइंसाइड हो, एक ही हो, ऐसे तो नहीं हो सकता दोनों पॉइंट अलग अलग हो, दोनों इक्वल हो सकते नहीं। तो इसका ए सी इज इक्वल टू ए डी इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट हमारा सी एंड डी है आर सेम, सेम या कह सकते हो कोइंसाइड, तो या तो वो सेम होंगे या मतलब कोइंसाइड कर रहे होंगे, सी एंड डी आर कोइंसाइड कर रहे हैं सेम, इसका मतलब क्या आ गया, देयर इज ओनली कैसे तो सो सी कॉमा डी आर, ये लिख दिया आपने पॉइंट सी एंड डी आर सेम एंड कोइंसाइड, सो दिस इंडिकेट इन लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मेड पॉइंट, तो दो पॉइंट कंसाइड कर जाते हैं तो उनको एक ही पॉइंट माना जाता है, जब एक ही माना जाता है तो इसका मतलब क्या है, एक ही मिड पॉइंट हुआ, तो दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते, तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई रॉन्ग, देयर इज ओनली वन पॉइंट। समझाया कितना इजी था, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ AC इज इक्वल टू BD, ये फिगर बना हुआ पहले से बना हुआ है, ये कहता है कि AC और BD इक्वल है, आपको पता है स्टार्टिंग कैसे करते हैं, जो चीज गिवन है पहले उसको लिखिए, तो यहां पे गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू BD, ये चीज क्या है हमें गिवन है। उसके बाद टू प्रूफ की हेडिंग बनाते हैं, टू प्रूफ क्या करना है हमें, हमें टू प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। उसके बाद हेडिंग किसकी बनाए, प्रूफ की, ये तीन स्टेप तो जरूरी है। अब हम प्रूफ करते हैं, अब ध्यान से देखिए जो प्रूफ करने में चाहिए उसको देखिए ध्यान से, ए बी मतलब ये लाइन चाहिए आपको, और यहां पे क्या है ए सी, ये कंप्लीट लाइन है, तो कंप्लीट लाइन है या एक स्मॉल लाइन है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, कौन सा मेथड होता है, कोइंसाइड वाला, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये चीज क्या है गिवन है, और मैं ये लिख सकता हूं ए सी किससे बनी हुई है, ए बी से और बी सी से, और मैंने लिख दिया AC इज इक्वल टू क्या है AB प्लस BC, क्यों क्यों, क्योंकि जो AB प्लस BC है ये कोइंसाइड कर रही है किसके साथ, विद AC, AB प्लस BC इज कोइंसाइड विद AC। ऐसे मैं ये भी लिख सकता हूं क्या है हमारा BD, B और D, तो ये क्या बन गया BC प्लस में CD, BC प्लस में CD, यहां पे ये चीज आ जाएगी कि BC प्लस CD ये भी कौन सा ऐड कर रहा है किसके साथ, BD के साथ, तो ये किस रीजन से है, बाय यूक्लिड एक्सियम, तो हम किसको यूज कर रहे हैं यूक्लिड एक्सियम को, इसका मतलब AC को क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस BC, AB प्लस BC, ऐसे ही BD को क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD। अब यहां दिख रहा है इक्वल आर एडिंग टू इक्वल्स, अब BC BC तो इक्वल है ना, इसका मतलब क्या आ गया AB इज इक्वल टू CD, ये भी किससे आ गया पाई एक्सियोम से,
things which are equal to the same things. Things which are equal to the same thing. Sorry, equal कर दिया. Equal or adding. करती लिख दी. If equal or added to two equal. दो equal में add कर दिया. The whole are equal. इसका मतलब इसमें पहले से ही क्या है, इक्वल ऐड है, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, ये चीज इक्वल होगी यदि इक्वल आर एडिट, तो इसका रेसिप्रोकल भी उल्टा सेम ट्रू होगा. इसका भी ये आल्सो इज ट्रू. और यही पार्ट आपको क्या करना था, प्रूव. हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव. आई होप आपको समझ आया कितना एंटरटेन किया होगा इस क्वेश्चन में, कितना इजी था. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है why is axiom 5 in the list of Euclid axiom. आपको फिर पता है axiom क्या होता है, the whole is always greater than its part. मतलब किसी पूरी बॉडी का एक छोटा पार्ट वो हमेशा छोटा ही रहेगा पूरी बॉडी से, क्योंकि वो पूरी बॉडी का एक टुकड़ा तो है. तो क्या टुकड़ा कभी पूरी बॉडी से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका पार्ट है. यदि मैं अपने हैंड की बात करता हूँ, क्या ये मेरा हाथ मेरी पूरी बॉडी से, यदि मैं हाथ को कट करके यहाँ रख देता हूँ, तो क्या मेरा ये हाथ मेरी पूरी बॉडी से बड़ा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी का एक पार्ट है ना ये, तो पार्ट हमेशा पूरी बॉडी से क्या होता है, छोटा. तो इसको हम क्या मानते हैं, हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रूथ, हमेशा ट्रूथ मानते हैं. तो क्या राय लिखा, एक्सियोम 5 द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट. ये एक्सियोम है. सो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिकॉज ए पार्ट ऑफ एनीथिंग इज अ पोर्शन, एक ऐसा पोर्शन होता है ऑफ अ कंप्लीट थिंग का. जैसे ये एक सर्कल है, मैंने इसका एक छोटा सा सेक्टर करा, टुकड़ा करा, तो ये एक सेक्टर है, ये कंप्लीट सर्कल है. अब दिखाई दे रहा है कंप्लीट सर्कल तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा. किससे, सेक्टर से. तो यानी सकता हूं अब यहां पे जो कंप्लीट सर्कल है इज ग्रेटर है देन, किससे ग्रेटर है, इट्स पार्ट से. पार्ट मतलब इट्स सेक्टर. ओके, तो ये चीज आपको लाइन दिखी. सो प्लीज मेक अ Now look at the board. Now I'm going to start the exercise 5.2. It's very easy. Only two questions are in this exercise. में तो आपका chapter complete हो जाएगा इसी एक single video में. Look at the board first. Question क्या कहता है? ये देखिए बिल्कुल easy question है. How would you rewrite Euclid fifth postulate? आपको पता है fifth postulate क्या होता है? दो line को जो तीसरी line cut करती है, तो उनके जो sum of interior angle is less than who, two right angle से, तो वो lines produce करने पर एक point पर क्या करती है, meet करती है. तो इसी को कहता है कि और छोटा करके लिखिए, shortcut लिखिए इसका. तो मैंने इसको थोड़ा और छोटा करना चाहा, तो देखिए ध्यान से, when two lines are cut by a third line, दो line को एक तीसरी line cut करती हो, such that sum of interior angle, उनका जो sum of interior angle है, वो less than हो जाए कितना, 180 डिग्री से, ऑन द वन साइड, जिस साइड, देन द फर्स्ट टू लाइन, जो दोनों लाइन होगी वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी ऑन द सेम साइड. समझ आया? तो वही फिफ्थ पोस्टुलेट, मैंने शायद एक लाइन छोटी कर दी होगी, तो यही चीज लिखनी थी आपको. क्या करना था, रीराइट, दोबारे से यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट लिखना था, लेकिन वहां पे 5 के 6 लाइन फिल हुई थी, यहाँ पे मैंने इसको 3 लाइनों में कंप्लीट कर दिया, तो ये छोटा तरीका हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, आपको यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट जो इंपॉर्टेंट है, इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैरेलल लाइन. क्या कहता है कि जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है, क्या वो डिफाइन कर सकते हैं उसको, एग्जिस्टेंस ऑफ द पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइन के टर्म्स में उसको डिफाइन करना है, क्या डिफाइन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी. कैसे है, इसी यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को जो आपने लिखा हुआ है,
आपने यहाँ देखा ध्यान से कि जहां पे दोनों एंगल का सम इंटीरियर एंगल का सम लेस हो जाता है तो लाइन क्या करती है, मीट करती है उसी साइड में। यदि एंगल का सम लेस हो ही ना, मतलब जो लेस की कंडीशन है, लेस होने पर लाइन मीट करती है, यदि सम लेस हो ही ना तो वो लाइंस कभी मीट ही नहीं करेगी। और लाइन जब भी मीट ही नहीं करती तो दो लाइन कभी मीट ही नहीं करेगी तो वो लाइंस क्या होगी, पैरेलल लाइन। इसका मतलब यूक्लिड फिर पोस्टुलेट किसको डिफाइन करता है, पैरेलल लाइन। तो आपको सिर्फ चेंज क्या करना है कि जब यहां पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू हो जाए किसके, 180 डिग्री के, तो लाइंस कभी मीट करेगी नहीं और लाइंस को क्या कह देंगे आप, पैरेलल लाइंस। इतना समझ आया, यही चीज मुझे अब वर्ड में लिखनी है, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले दो लाइन ले लेते हैं। सपोज करता हूं मैं ये दो लाइन ले लेता हूं, ये लाइन M है, एक लाइन और ले लेता हूं, ये लाइन N। दो लाइन ली, लाइन M और लाइन N, दिखाई दे रहा है आपको, मैं ये थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं मैं आपको इसमें, ये मेरी लाइन M है और ये लाइन मेरी N। अब इसको एक लाइन कट करती है, ये लाइन लेट कर लेता हूं मैं L, ठीक है। इस एंगल को मैं लेट कर लेता हूं A एंगल, इस एंगल को लेट कर लेता हूं B, इसको लेट कर लेते हैं C और इसको लेट कर लेता हूं मैं D, ठीक है। अब मैं पोस्टुलेट उसी को लिख रहा हूं डिफाइन करके, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड पोस्टुलेट फिफ्थ, यहां पे क्या है, ए लाइन, कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, एल की, इज कट द टू लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस लिख लो उसको, टू स्ट्रेट लाइंस कौन कौन सी है, एम एंड एन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, एंगल एंड सच दैट, कैसे कट करती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू है टू राइट एंगल, टू राइट एंगल का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री। यदि नेचुरली देखो ये दोनों का सम 180 बन गया तो आपको पता है लीनियर पेयर से, यदि ये एंगल 90 डिग्री का है तो नेचुरली ये भी 90 डिग्री का होगा, ये 90 का है तो ये भी 90, इसका मतलब इन दोनों का सम भी क्या बन गया, 90 ही, वो 180 ही बन गया। इट मेक्स सेम एंगल सी प्लस एंगल डी, वो भी कितने डिग्री का बन जाएगा, 180 डिग्री का बन जाएगा। देन लाइंस नेवर विल बी मीट, देन लाइंस नेवर मीट्स ऑन प्रोड्यूसिंग, यदि उसको प्रोड्यूस किया जाए इनडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जाए इंडेफिनेटली तो वो कभी भी क्या है, मीट नहीं करेगी। इट मींस लाइंस, जो लाइंस है हमारी एम एन एन आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस, तो हम उसको क्या कह देंगे, हम उसको पैरेलल लाइन कहेंगे। तो यही हो गया यूक्लिड फिफ्थ एक्सप्लोर क्या करना था कि ये बताता है, क्या इंप्लाई करता है, ये बताता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द पैरेलल लाइन, यस आंसर ऑफ दिस, आंसर क्या आएगा, यस, क्योंकि ये बताता है, कितना इजी था। सो प्लीज मेक अ नोट, इसमें मैं एक चीज और डिस्कस करने जा रहा हूं,
क्लियर फेयर एक्सियोम्स, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार यूज करना होता है। ये पार्ट नहीं है यूक्लिड का, मतलब पार्ट तो है लेकिन इस एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड, एक इंपॉर्टेंट एक्सियोम्स है जो आपको याद होना भी चाहिए। काफी बार हायर थिंकिंग लेवल की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट एक्सियोम्स है, कहीं जगह बहुत जगह अप्लाई होता है ये एग्जाम्स, इसलिए मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आपके क्वेश्चंस में मेंशन नहीं है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखिए। इसका नाम क्या था? प्लेयर प्ले फेयर एग्जाम्स, प्ले फेयर एग्जाम्स। क्या कहता है कि फॉर एवरी लाइन एल, मैं इसका फिगर भी बनाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। फॉर एवरी लाइन एल, तो मतलब किसी लाइन के बारे में बात कर रहा है, मैं अपनी एक लाइन बना लेता हूँ, सपोज करता हूँ ये मेरी लाइन क्या है, L। इसलिए ये क्या है ना, फॉर एवरी लाइन L, तो ये मेरी एक लाइन होगी L। एंड फॉर एवरी पॉइंट P, नॉट लाइन ऑन L, तो हर एक पॉइंट जो इस पे लाइन ना करता हो, इसका मतलब इसके बाहर कोई भी पॉइंट ले सकते हो। जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट P, ये कहा है, इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा, बाहर लाइन कर रहा। तो फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइन ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे ना लाइन करें, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन, तो एक ही लाइन, यूनिक का मतलब एक लाइन एम होगी जो पासिंग थ्रू द पी, इस पॉइंट से एक लाइन होगी जो पास करेगी पी से और पैरेलल होगी किसके, इस लाइन के। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस पे एक ही लाइन होगी, मैं इसको बनाना चाहूंगा ऐसे बनेगी ये लाइन, देखिए। अब ये लाइन क्या है मेरी एल और ये लाइन क्या थी मेरी M। तो फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P दैट नॉट लाइन ऑन द लाइन, जो इस पे लाइन नहीं कर रहा, उस पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है जो पैरेलल किसके हो, इसके पैरेलल। अब इस पॉइंट से लाइन तो हजारों पास हो सकती है लेकिन इसके पैरेलल नहीं होगी। देखना चाहते हो तो देखिए, मैं एक लाइन ये ले लेता हूं, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, बाहर पॉइंट है, लेकिन ये लाइन इस लाइन के क्या पैरेलल है, नहीं। ऐसे मैं ये लाइन की बात करता हूं, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है लेकिन इस लाइन के क्या पैरेलल है, नहीं। तो एक ही लाइन हो सकती है जो किसी बाहर पॉइंट से पास होती हो और एक लाइन के पैरेलल हो सकती है। इसी को एक डिफरेंट वे से लिखा जा सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल, कभी पैरेलल नहीं हो सकती टू द सेम लाइन, मतलब कि कोई दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो रही है और किसी एक लाइन के वो दोनों पैरेलल नहीं हो सकती। जैसे मैं कहता हूं ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, अब लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं और चेक करूंगा क्या वो दोनों के पैरेलल है, मैं एक के पैरेलल ड्रॉ करता हूं, सपोज करें इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन वन ये लाइन टू ये लाइन थ्री है। अब देखो ये लाइन इस लाइन के तो पैरेलल है, क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, नहीं। तो एक टाइम पर यदि दो लाइन इंटरसेक्टिंग करती है तो उस केस में एक वो उन दोनों में से कोई एक लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हो सकती है, दोनों लाइन कभी भी किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। तो इसको याद रखिएगा, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइन नेवर बी इक्वल और पैरेलल टू द सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते। सो दिस इज द प्लेयर फेयर एग्जाम। तो हमने अभी अपना कंप्लीट चैप्टर कर लिया, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। इससे रिलेटेड भी यदि आपको किसी भी बुक से रिलेटेड, यदि आप आर डी शर्मा या कोई दूसरी बुक्स रेफर कर रहे हो और उसमें यूक्लिड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आया हुआ है, जो आपके एनसीईआरटी, मैंने एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए और हर बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, इसमें हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, इसलिए हमने इसको तीन लेक्चर में कवर करा। तो यदि फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, चाहे वो कोई भी बुक में से क्यों ना हो, आप प्लीज डू कमेंट कीजिए मुझे, उसका बुक का नाम बताइए। यदि बुक ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप मुझे उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको मुझे, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर पता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो आई ट्राई टू माई लेवल बेस्ट कि उसको अच्छी तरह कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन दे सकता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको रियली में वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हो कि कंटिन्यू रहे,
और आप इसी से कनेक्ट रहना चाहते हो, तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट और शेयर तीनों चीज करिए हर बार वीडियो को। कमेंट में आप कह सकते हो जो भी अच्छा लगा, अच्छी लगी, जो चीज सर इम्प्रूवमेंट करिए सर, इसमें कुछ मैं ये क्वेश्चन ऐड कर दीजिए, ये सब चीज मुझे कमेंट करिए करिए और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए यदि आपको रियली में अच्छी लगती है। यदि नहीं लगती तो आप बेशक से छोड़ सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। यू विल मीट वेरी सून टेक विद अ न्यू लेक्चर। थैंक यू वंस अगेन।